आमिर को माफ नहीं कर सकती हो क्या? देखो कमाल की तो जिस तरह मौत लिखी थी वो मर गया, आमिर को सजा दिलाने से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा? जिंदा तो नहीं होगा, मगर जालिम को सजा जरूर मिल जाएगी और मुझे सुकून। मैं आपकी खुशी से आती हूँ, सुकून मिलता है तो मेरी फिक्र ना करो। थैंक यू फाजी। बिल्कुल गलत बेटा, बहादुरी खुद्दारी ये गरीब के हथियार है और इन हथियारों से वो जालिम को मात देता है। अब क्या होगा? एक और कदम, अभी तो कमाल के कत्ल का फैसला भी नहीं हुआ, खाली हाथ में किस किस से लड़ूंगी? और नाना बू बेचारे कब तक मेरा साथ देंगे, कब तक? रूबा क्या हुआ बेटा, ये तन्हा क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्यों परेशान? परेशानी की तो बात है नानी अम्मा, पहले मुकदमे का फैसला खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया। मेरे हाथ खाली है नानी अम्मा, ऊपर से मेरी पढ़ाई का मसला। नानी अम्मा मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, पैसे दे देंगे कुछ ना कुछ तो? कुछ नहीं हो, आटे में नमक के बराबर, इससे कुछ नहीं होगा बेटा। और इसलिए मैं समझती हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम्हें पढ़ना है। नहीं नानी अम्मा, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है, मैं तन्हा हूँ। तुम तन्हा नहीं हो मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ हमारी दुआएं हैं, हमारी मोहब्बतें हैं, और तुम खाली हाथ भी नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारा दामन हमारी दुआओं से भरा हुआ है मेरी जान। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अलविदा आंटी। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। भाई कहाँ बिजी हो, इतने दिन हो गए तुमने चक्कर भी नहीं लगाया, सारा तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ आंटी, बस ऑफिस में काम इतना होता है ना कि थक जाती हूँ, बस अभी घर जा रही हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मेरी बेटी सारा कैसी है, मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। और सारा भी अपनी आंटी को बहुत मिस करती है। So sweet. मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी, मैं आज ही कोशिश करूँगी घर चक्कर लगाने की। थैंक यू बेटा, मैं इंतजार करूँगी। आंटी वो मेरी बेटी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह अलविना चाची, अब मेरी बेटी सारा मुझे मेरे दाने हाल तक पहुंचाएगी। यस। तुम्हारा गिला बिल्कुल ठीक है जाहिर, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत मसरूफ था यार।
दानियाल सोनिया को तलाक देकर वापस आ चुका है, एक छोटी सी बच्ची भी उसके साथ है। बिजनेस अलग क्राइसिस में है, सौ झंझट है। तुम ठीक कहते हो, जेल में जिंदगी तो रुक सी जाती है। दिन तवील तर और रातें तवील तरीन हो जाती हैं। कभी जिंदगी में टाइम देखने का रूटीन नहीं था, लेकिन अब नजर है कि घड़ी से हटती ही नहीं। इन सलाखों के बाहर जिंदगी कितनी तेज दौड़ती है और हमें कितना तेज दौड़ाती है, इसका अंदाजा मुझे यहां आकर हुआ। एक बात याद रखना खालिद, ये रुपया पैसा कारोबार धन दौलत ये सब कुछ जिंदगी के गोरख धंधे हैं, इनसे बाहर आ जाओ, सुख में आ जाओ। मैंने अपनी उम्र इस खेल में गुजार दी, अंजाम तुम देख रहे हो। ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन तुमने अपने आप को एक दलदल में फंसा लिया है। मैं तो बचना चाहता हूं इस दलदल से, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तुम भी सोचते होगे कि मैं तुम्हें नसीहतें कर रहा हूं उम्र भर अय्याशी के बाद। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचा करो यार। अच्छा ये बताओ कि आबिद भाई कैसे हैं? हाँ ठीक है, तुमसे मिलने नहीं आए क्या? नहीं मसरूफ होंगे, मैं तो फारिग हूँ, इसी तरह की बातें करता हूँ। दरअसल मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ ना। मैं उनसे कहूंगा तुमसे मिलने। नहीं नहीं, किसी को मजबूर मत करना, सब मेरी तरह फारिग तो नहीं है ना। हाँ वो तहसीन नहीं आई, वो तो ठीक है ना। ठीक है, वे बहुत खामोश रहती है। वो बोले भी तो क्या बोले खालिद, शौहर जेल में है, बेटा हवालात में है। एक बात बोलूं खालिद, खालिद उस आशियाने से निकलने के बाद हम तिनकों की तरह बिखर गए। हमने अपने माँ बाप की बददुआएं ली हैं, यही वजह है कि आज हम सब अलग अलग हो गए। हमने उन्हें आशियाने से बेघर किया, आज हम खुद बेघर हो गए। मगर खालिद तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अपनी गलती का अजाला कर सकते हो। मैंने अब्बा जी और अम्मा जी को रोकने की बहुत कोशिश की जाहिर, लेकिन तुम तो अब्बा जी की आदत जानते हो, वो नहीं रुके, जिद करके चले ही। खालिद हमने हमेशा अपने माँ बाप को इल्जाम दिया है, उन्हें कसूरवार ठहराया। जरा गौर करना खालिद कि हमारी कहाँ गलती है। हाँ आमिर की भी कल पेशी है। हाँ कल उसके वकील से मुलाकात हुई थी मेरी। क्या कहा उसने? एक ही बात कह रहा है कि जब तक माफीनामा नहीं मिल जाता उसकी जान बख्शी नहीं हो सकती। उसे माफी नहीं मिलेगी, उसे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। क्या करूं क्या करूं। बाजी इस मोहल्ले में कोई 250 से ज्यादा फीस नहीं देगा, पूरा महीना सर खपा कर 1000-1200 ही मिलेंगे। तो क्या करूं, इन हालात में हाथ पर हाथ रखकर बैठकर तमाशा देखूं मैं? वो क्या हो गया पागल लड़की, भाई हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, बस तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। अहमद मैं FSC और मैट्रिक को पढ़ा सकती हूँ, देख लो अगर किसी एकेडमी में मुझे ट्यूटर की जॉब मिल जाए। मैं अपनी एकेडमी के प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ। जरूर आज ही करना। जी बेहतर, आज ही कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत जिद्दी तुम, बहुत जिद्दी। आपकी नवासी हूं, आप पर गई हूं। जी नहीं, मैं जिद्दी नहीं, तुम अपने नाना पे गई हो। कभी जो आपने नाना के बारे में कोई अच्छी बात की हो तो। नाना की चमची। वाओ इसे क्या है ना, ये देखो ये क्या। फौजिया सारा तुमसे कितनी अटैच हो गई है। सही कह रही है,
बच्चे मोहब्बत का अंदाज समझ जाते हैं। कहते हैं दानियाल ने इसका रूम सेट किया, नया फर्नीचर खरीदा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ऐसा करते हैं, चल के देखते हैं। आओ। चलो सारा, जा के देखते हैं कि आपके पापा आपके लिए कैसा फर्नीचर लाए। चल चल चल। तहसीन, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? भूख नहीं है। बेटा, अपनी हालत देखो, खाना नहीं खा रही हो, रात को भी तुमने नहीं खाया, कितनी कमजोर हो गई हो, बीमार हो जाओगी। चलो रोटी उठाओ और खाना खाओ। शाबाश। नहीं, शायद भी भूखे होंगे ना, वो आ जाए उनके साथ ही खाऊंगी। आप जाहिद का इंतजार करिए, जब इंतजार करना था उस वक्त तुमने जल्दी की। अच्छा खैर छोड़ो, खाना खाओ। शाबाश। अम्मा जी, मैं इसमें से थोड़ा सा खाना जाहिद के लिए रख लूं, उन्हें भी भूख लगी होगी ना। बेटा, पहले तुम तो खा लो, फिर उसके लिए भी रख लेना। ठीक है, मैं ना इसमें से आधी रोटी जाहिद के लिए रख लेती हूँ और आधी मैं खा लूंगी, ठीक है? और जाहिद के साथ भी खाऊंगी मैं। वो भी जाओ ना, क्या मुसीबत है? बाजू थक गए मेरे, दो घंटे से इसको मैं खिला रही हूँ, दूध भी पिला दिया, नहला भी दिया, और वो नवाब साथ ही आने का नाम तक नहीं ले रहे। क्या मुसीबत मेरे गले डाल दी है। और ये अलविना चची है ना, बहुत चलाक है, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार इनकी सारी चलाकियां थरी के थरी रह जाएंगी। इतना नुकसान कि उम्र भर का फायदा जीरो हो जाएगा। फौजिया, फौजिया, क्या बात है? ये लो, ऐसे पीते इसको, ऐसे ऐसे। अरे, इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया ज्यादा? नहीं, अब नैपी चेंज कर दिया, अब रिलैक्स है। थैंक यू फौजिया, तुम इसका कितना ख्याल रखती हो। कम ऑन आंटी, आप मुझसे गैरों जैसी बात क्यों कर रही हैं? आप नहीं जानती मुझे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और इस मासूम से वरिष्ठ को कोई बदबख्त बोलेगा क्या? आंटी, वो अम्मी बार बार मुझे फोन कर रही हैं, दानियाल आ जाता तो मुझे ड्रॉप कर देता। दानियाल ऑफिस से तो निकल चुका है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ। मुसीबत है, घर जाऊं इससे जान छूटे मेरी। बच्ची नहीं है वो, अपना बुरा भला अच्छी तरह जानती है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बहुत जल्दी फौजिया का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आने वाला है। कौन है, कहां से आने वाला है? आपके चहीते भतीजे दानियाल का। और आपकी नखरीली भाभी साहिबाई लेकर आएंगी। क्या क्या कहा तुमने, दानियाल? हाँ, दानियाल का। मगर दानियाल उसकी तो बच्ची। अरे फौजिया, संभाल लेगी उसे। आप तो बस ये कीजिए, आपके ऑफिस में जो नाजिया के लिए रिश्ता आया ना, उन लोगों को बुलवा लीजिए। बुला लेता हूँ। अब तो मैं बस दोनों के फर्ज से फरागत पाकर ही सुकून का सांस लूंगी। चलो दानियाल, अम्मी से मिल लो। अभी फौजिया भी बहुत लेट हो चुका हूँ, और घर जाके खाना भी खाना है।
दानियाल खाना हमारे घर भी बनता है, आज हमारे साथ खा लो। हाँ मगर फौजी अभी तो। दानियाल हम लोग गैर नहीं है, आप पराया समझना छोड़ दो, आ जाओ अम्मी से मिलो फिर भले चले जाना। अम्मी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बड़े दिन बाद चक्कर लगा है, बैठो। हाँ वो फौजिया ने कहा कि खाना खाकर जाना, तो मैंने कहा चलो सही है। अच्छा तो ठीक है ना, देखो अब सारा उसके साथ कितनी खुश रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, आज आप यहाँ कैसे? चलो भाई मैं तो तुमसे मिलने आ गया, मगर तुम बहुत मसरूफ हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। जी बिजी रहती हूँ, जॉब ही ऐसी है, यू नो टफ जॉब। सारी स्टोरी। सैड इनकी जॉब नहीं है, खिदमते खल्क का जज्बा है। हमें तो दूसरों की वजह से मुश्किलें लेने की आदत पड़ गई। अम्मी अरूबा कोई गैर तो नहीं है, मैं तो उसकी मदद अपनी बहन अपनी कजन समझ के करती हूँ, और मिकी ने उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। एक ये और एक मिकी, इन दोनों का एक ही मसला है, अरूबा 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 अरूबा। अम्मी दानियाल भाई कितने अरसे बाद आए हैं, कोई अच्छी सी चाय हो जाए। हाँ अरे चाय क्यों, जब फौजिया ने कहा है कि खाना खा के जाएगा तो बस खाना खा के जाएगा, क्यों? जी आंटी। अच्छा मैं जरा देख कर आती हूँ ये फौजिया और सारा क्या कर रहे हैं। दानियाल भाई अरूबा तन्हा है, और अदालतों के चक्कर तन्हा लड़की नहीं काट सकती, प्लीज उसे आपकी हेल्प की जरूरत है। वो तो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्या आप उसकी जंग में साथ नहीं देंगे? अरे फौजिया सो गई है ये? बहुत मुश्किल से सुला है, अम्मी इसको उठा उठा के मेरे कंधे दुखने लगे, मुसीबत बन गई ये मेरे लिए, उठाए रखो तो खुश रहती है। ऐसी बातें नहीं करते, कहीं दानियाल इधर ना आ जाए ये बातें सुन ना ले। अम्मी अब ये मसला हल हो जाना चाहिए, आपको पता है ना कि बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, री 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 करती रहती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इसको और। अरे सब्र करो हौसला करो, कुछ पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब जाओ इसको लेकर ड्राइंग रूम में जाओ, दानियाल के पास जाके बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। अब ये क्या मुसीबत है, इसे दानियाल के पास लेके जाओ। दानियाल अब शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है अलवीना। हाँ तो उनकी बेटी भी कोई कुंवारी नहीं है, तलाक याफ्ता है। दानियाल से अच्छा रिश्ता उनको और कहीं नहीं मिल सकता, और अभी उनकी नाजिया भी बैठी हुई है। अब उसके लिए हमें बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं है। इसीलिए अरूबा मैंने वकील को धमकी दी कि अगर उसने फीस बटोरने के चक्कर में केस को लंबा किया ना तो मैं कोई दूसरा वकील हूं, और देखो प्लान कामयाब हो। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, तुम दोनों की रुखसती इकट्ठे ही करूंगी। लेकिन अम्मी कैसे, अलवीना आंटी ने तो कोई बात ही नहीं की। करेगी जरूर करेगी। धड़कने जिनसे बंधी